हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता है विक्की पावा। दोस्तों, नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहा हूं। नेशनल हाईवे पर गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या क्या रूल अपनाने पड़ते हैं, किस साइड चलानी चाहिए, कब ओवरटेक करनी चाहिए, थोड़ा से दो तीन स्टेप हैं दोस्तों, देखकर जाना जरूर, आपको मजा आएगा। आपको अगर बिगनर्स हैं तो कुछ सीखने को मिलेगा। नाम 72, जिला मलखानपुर, गांव तासी। दोस्तों, नेशनल हाईवे पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, 4 लाइन हाईवे है, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में चला रहा हूँ लेफ्ट साइड से। ओवरटेक करने का सही तरीका है दोस्तों, ये ट्रक को ओवरटेक करूँगा। पीछे देखा राइट मिरर में मैंने, कोई नहीं है, इंडिकेटर दे दिया फिर भी कि चलो दूर से दिख जाए, ओवरटेक कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये राइट साइड से आपको ओवरटेक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ड्राइवर जो आगे गाड़ी चला रहा है, जो जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं, तो दोस्तों वो बैठा होता है राइट साइड में, गाड़ी चला रहा होता है। इंडिया में यही रूल है, राइट साइड में ही स्टीयरिंग होता है, तो उसका ध्यान राइट साइड मिरर में ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपको राइट से ओवरटेक करने की सलाह दे रहा हूं। अगर बिल्कुल ही साइड नहीं है इधर उधर, तो लेफ्ट से हमें मिल रही है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे वन वे साइड होती है, तो हम नेशनल हाईवे पे लेफ्ट राइट से ओवरटेक कर लिया करते हैं। तो ज्यादा 80-90% आपको बता दूं कि राइट से करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्लियर। अभी दूसरा क्लियर कर रहा हूं कि जिस लाइन में मैं चला रहा हूं गाड़ी, अब देखो मैंने दो लाइनें दिख रही हैं बीच में गाड़ी मेरी चल रही है, जैसे वो आगे वाली गाड़ी चल रही है। लेफ्ट और राइट में देखो बिल्कुल आपको लाइनें दिखेंगी पेंट हुई हुई व्हाइट कलर की। तो ये दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट तरीका है नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने का। कभी भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पीछे से हॉर्न देगा नहीं देगा, क्योंकि आप बिल्कुल बीचों बीच लाइन में चला रहे हैं। उसको जहां से साइड दिखेगी वो लेफ्ट राइट ओवरटेक करता हुआ निकल जाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, बीच वाली लाइन का दोस्तों हो गया क्लियर कि हमें पेंट वाली लाइन, जो लाइनें हमें दी गई हैं एक, उस हिसाब से चलानी चाहिए बीच में गाड़ी, ना कि बिल्कुल पेंट के निशान के ऊपर, लाइन के ऊपर चलानी चाहिए, जैसे वो आगे वाली गाड़ी चला भी रहा है एक बंदा, तो उसके ऊपर नहीं चलानी लाइन में, लाइन के बीच में चलानी है, ताकि आपको पीछे वाले को दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, दैट्स क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी साइड गाड़ी चलानी चाहिए। अभी मैं राइट में फर्स्ट लाइन में गाड़ी चला रहा हूँ, राइट की पहली लाइन में। दोस्तों इस लाइन में गाड़ी बिल्कुल बहुत कम चलानी चाहिए, बहुत कम। दिन के टाइम चलो एक विजिबिलिटी क्लियर आ रही है, चलो कभी कभी चला लेनी चाहिए, लेकिन रात के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं चलानी चाहिए। अब राइट की साइड क्यों कह रहा हूँ मैं क्लियर, राइट की साइड नहीं चलानी चाहिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। अभी मैं राइट में पहली लाइन में चला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा क्या होता है, मैं बता देता हूँ फिर भी। एक तो जो सामने वाली लाइन आ रही है, सामने से जो गाड़ियां दिख रही है ना दोस्तों, उन गाड़ियों में से किसी एक का भी पंचर हुआ या कोई भी दिक्कत आई, वो सीधा उड़ती हुई हमारी तरफ ही आएगी, राइट की तरफ इधर ही आएगी गाड़ी, तो क्योंकि दोस्तों वो सीधा हमारी गाड़ी से टकरा सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सेकंड बात आती है दोस्तों कि कोई ना कोई वर्किंग चल रही होती है, या कोई दिक्कत है, कोई जानवर मरा पड़ा है, वो बीचों बीच तो कर्मचारी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो उठाकर राइट या लेफ्ट में छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, जैसे कोई काम चल रहा है दोस्तों, कोई खड्डा खोद रखा है या कुछ है, तो ये डिस्टर्बेंस राइट में आती है, लेकिन मतलब कि यूं लगा लो कि 20% इधर चला लो, 80% राइट में नहीं चलानी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लाइन, लेफ्ट की फर्स्ट लाइन में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। वो क्यों नहीं चलानी चाहिए, चलो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट लाइन में, लेफ्ट की फर्स्ट लाइन में। अब दोस्तों मैं आ गया फर्स्ट लाइन में गाड़ी लेकर, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ दिक्कत क्या आनी है दोस्तों, वही बात मैंने आपको बताया कि कोई जानवर अगर मरता है रोड पे, वो उसको लेफ्ट या राइट में ही छोड़ा जाता है, बीच में से हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो भारीपन के ऊपर होता है। अब सेकंड क्या आता है, ये मोटरसाइकिल वाला दोस्तों लेफ्ट में अपनी लाइन में चलाता हुआ जा रहा है, ठीक है। हम गाड़ी ले रहे हैं तो नेचुरल है, इससे 10 20 50 फालतू ही चलाएंगे गाड़ी स्पीड में, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आएगी। सेकंड और प्रॉब्लम आएगी कि नेचुरल है, लेफ्ट साइड में कोई काम चल रहा है, अभी क्या होगा, कोई ना कोई कट, कोई लेफ्ट में हमें अगर फ्लाईओवर नहीं चढ़ना तो नीचे उतरना है,
तो लेफ्ट से ही उतरेंगे ना, तो लेफ्ट में चढ़ने वाले भी होंगे और उतरने वाले भी होंगे, ठीक है दोस्तों। ये अब ये गाड़ी को रोक कर खड़ा हुआ है बंदा लेफ्ट की साइड में, अब मुझे ये दिक्कत आई। तो दोस्तों ये लेफ्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि आप गाड़ी स्मूथ नहीं चला पाएंगे, बार बार क्लच ब्रेक लगानी पड़ेगी और राइट साइड लेफ्ट साइड से निकालना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है ये बीच की दो लाइनें, अगर आप फोर लाइन हाईवे पे चला रहे हैं दोस्तों तो ये बीच की दो लाइनों में किसी भी अंदर चलाइए, अगर थ्री लाइन हाईवे है तो दोस्तों आप बीच की एक लाइन को पकड़ लें बस। मैं तो दोस्तों यही कहूँगा आपको, 15-16 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है दोस्तों, जो निचोड़ है मैं दोस्तों सब बता के जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या बात है, अभी कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ सीखना है, कुछ पूछना है तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब कमेंट का जरूर देता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक आपने देखी वीडियो, थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।